हाय शुभनील, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। गुड आफ्टरनून सर। मीट अवर स्टूडेंट्स, गुड नून सर। मिस्टर विकास। मिस्टर विकास, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए शुभनील को। हाँ हाँ बताइए ना। हेलो सर, आई एम विकास पाठक। विकास हैविंग फर्स्ट डे इन अवर क्लास। यस विकास जी, आपके बारे में कुछ। वेल डन सर। हेलो सर, रेवा से फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम रीवा मध्य प्रदेश, नाउ स्टेइंग इन भोपाल, राइट? या आई स्टेइंग एंड वी हैव मोनिका। मोनिका से हाय टू एवरीबॉडी। हाय सर, भोपाल में मेरी इंटरव्यू का शेड्यूल है अरे भोपाल वाह, में, सो प्लीज हेल्प शुभानिल 24 मार्च। ओवर देयर। ओके, नेक्स्ट वी हैव गुड मॉर्निंग सर। रेखा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। हरवीर इज देयर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मिस्टर सोमवीर इज देयर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। यस यस। अबा हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून सर। सिद्धिका हाउ आर यू? सिद्धिका, गुड आफ्टरनून सर। सिद्धिका यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम टुडे एंड योर मेन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग इन इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। वेलकम वेलकम सिद्धिका, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? जी सर, कानपुर डिस्ट्रिक्ट। वाओ दैट्स वेरी गुड। कानपुर इज आल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है सिद्धिका? जी सर, कानपुर को कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है सिद्धिका? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, एम आई राइट? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया सर। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, तो नॉर्थ इंडिया मैनचेस्टर कानपुर। ओके ओके आबा हाउ आर यू? सिद्धिका योर इज उर्दू सब्जेक्ट। जी सर, उर्दू सर, उर्दू सब्जेक्ट। आई वेलकम यू एंड टुडे योर क्लासेस विल बी हेल्ड इन इवनिंग टाइमिंग। Since this is only a complimentary classes, जो हर स्टूडेंट के लिए फ्री होती है, आप लोग इंजॉय करिए, आपस में बातें कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ओके, इसके अंदर हम लोग पढ़ाई रखेंगे, स्टडी रखेंगे, मगर एक फ्रेंडली स्टडी रखेंगे। आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है उर्दू है सिद्धिका? जी सर। ओके, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन? सर मैंने बीएड किया हुआ और डबल एमए भी किया हुआ, और इस टाइम मेरी पीएचडी चल रही है, जा रही है सीएचएम यूनिवर्सिटी से। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ओके एंड मैडम, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? प्लीज सर, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन विद सुमनिल सर। सुमनिल सर, प्लीज गेट रेडी। यस हां बोलिए सर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑन अर्थ सरफेस? प्लीज आस्क अगेन। हाँ सर बोलिए। वेयर इज द लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑन अर्थ सरफेस एंड मैग्नेटिक साउथ पोल? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जियोग्राफिकल में होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल अलग होते हैं, मैग्नेटिक पोल अलग होते हैं। मैं आपसे मैग्नेटिक पोल की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जियोग्राफिकल एट विच प्लेस? ये due to polar wandering, magnetic north pole and magnetic south pole is not static, it is changes through the passage of time, but geographical north pole and geographical south pole it is static. Sir, it location in the form of latitude and longitude, please explain in the form of longitude and latitude according to geography. You say, you tell me about the latitude and longitude axis.
एट ए पर्टिकुलर लैटिट्यूड रीजन. लैटिट्यूड इज द दैट आप पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड. ओके ना. He want to ask where they are located. What is longitude? Yes, sir. Sir, I want to ask you if magnetic north pole ki jo location hai in term of latitude and longitude. चलो आप मैं longitude और latitude बता दो क्या होते हैं कि longitude latitude क्या होते हैं longitude क्या होते हैं वो बता दीजिए. हाँ, latitude होता है the interior angle between a place a line from a particular place to equator and the equatorial plane, it is known as latitude. And longitude is a line which is drawn from latitude along the x-axis. Length, nahi, latitude along the x-axis ya along y-axis. Latitude is an interior angle between equatorial plane and a line which is drawn from a particular place or particular parallel to the equator. That it angle may be 90, 180. That very good place. It is a interior angle between equatorial plane and a line which is drawn from a particular place to equator. And longitude is a line which is drawn from a particular place to equatorial plane and the interior angle with the standard meridian from latitude and longitude. आप लोकेशन बताइए नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहां होगा. कैन यू टेल मी द लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इन टर्म्स ऑफ दिस. ये हमको नहीं पता. ओके, हमको जो पोलर वंडरिंग में जानता है कि गॉट इट नेक्स्ट. ओके सर, नो प्रॉब्लम. हरबीर, वन क्वेश्चन फ्रॉम आबा, ज्योग्राफी कॉमर्स बेस्ड. आबा, बिजनेस फाइनेंस. जी सर. कैन यू टेल समथिंग अबाउट बिजनेस फाइनेंस. ओके ओके सर, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द बिजनेस. हम काफी मतलब एक तो मनी शॉर्ट टर्म्स भी ले सकते हैं जिसको हम मनी मार्केट कहते हैं और एक होता है कैपिटल मार्केट. तो सर मनी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि हम टी बिल्स इशू कर सकते हैं, हम ट्रेजरी बिल हो क्या, और कैपिटल मार्केट में हम शेयर इक्विटी बॉन्ड्स डिबेंचर इशू कर सकते हैं टू फाइनेंस द बिजनेस. ओके जी, आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए मैडम से, हरवीर से क्वेश्चन पुट अप कीजिए कॉमर्स का जल्दी से, फिर मैं बाकी मेंबर्स को चांस देता हूँ. जल्दी पूछिए. मैम, गुडविल के बारे में कुछ बता दीजिए. व्हाट इज गुडविल? स्पीक लाउड. गुडविल इज नोन एज गुड नेम. गुड नेम मींस कि बिजनेस एक अपनी रेपुटेशन अर्न करता है मार्केट के अंदर बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी गुड्स. इसकी वजह से उसका नाम के अंदर, so that's when its goodwill is created. Goodwill is of two types. It can be purchased or it can be created also. जो established business होते हैं, उनकी goodwill already बनी होती है. तो अगर आपको उसमें business में participate करना है, तो आपको उनकी goodwill purchase करनी पड़ेगी. Whereas created goodwill is the one where business itself created its goodwill. And goodwill helps us to know that where the business is doing well and how well it is doing. Now I want Shubhanil. Shubhanil. हाँ. मैम, कौन सी goodwill हम record करते हैं? Both की उसमें से purchase goodwill और made goodwill. Created goodwill. Yes sir. Okay, Shubhanil, one question from our computer literate MSc holder. मिस्टर विकास, एक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कीजिए. सर, व्हाट इज, यू कैन आल्सो आस्क ईपी रविना. सर, व्हाट इज ईपी रोम? व्हाट इज ईपी रोम? यस प्लीज. यस सर, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम होती है. दीज आर द बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रोम दैट कैन बी इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज एंड वी कैन ओवरराइड देम after destroying all previous data. The only difference between EEPROM and double EEPROM is that
we have to overwrite each time EP ROM, but during the double EP ROM, we can partially overwrite that. Okay. Are you satisfied, Mr. Shubhanil? Sir, are you? Sir, sir. हाँ सर सर जो वो सर है ना हाँ रिपीट कीजिए आप सर आईओटी क्या होता है इन कंप्यूटर बेसिकली आईओटी इज अ न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच आर यूजिंग प्रेजेंट टाइम्स एंड इट इज बेसिकली इंक्लूडिंग द नेटवर्क्स विद द फिजिकल डिवाइसेस लाइक स्मॉल माइक्रो डिवाइसेस इंक्लूडिंग हेडफोन्स और इंक्लूडिंग एसीज एंड योर चार्जर्स एंड फैन ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन वी इंटीग्रेट देम विद द नेटवर्क्स देन इट बिकम्स आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बेसिकली अ ह्यूज नेटवर्क टेक्नोलॉजी वी हैव यू प्लेस डेटा ओवर द नेटवर्क इट बिलोंग्स टू द डेटा शेयरिंग एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इट्स अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है आईओटी के लिए देयर डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड बट मोस्ट प्रोबेबली सी प्लस प्लस इज वन ऑफ द लैंग्वेज वी कैन यूज इन आईओटी मिस्टर से मैं भी एक क्वेश्चन से मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पाइथन मे आल्सो बी यूज्ड पाइथन बिकॉज़ ऑफ लाइट वेट एट दैट टाइम वी नीड द लाइट वेटेड लैंग्वेज सो आई थिंक सी प्लस प्लस मोस्ट लाइट वेटेड लैंग्वेज अमंग दीस लैंग्वेजेस जावा पाइथन एंड सो ऑन मिस्टर विकास चैट जीपीटी या हैज कम इन द मार्केट सो व्हाट इट इज एक्चुअली कैन यू एक्सप्लेन या सर बेसिकली चैट जीपीटी इज अ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी ओके वेयर वी कैन solve our doubts okay. with the help of robotics technology. Right. And it come in market in many years before. But at present time, it because of Microsoft and with the help of Google, it is flourishing early. Okay, okay. This is the reason. Siddhika, Naj, आप कोई पूछना चाहेंगे question? Hello, जी सर अभी नहीं कुछ भी नहीं जी जी सर अभी नहीं आप कोई भी मेंबर से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछिए नहीं सर अभी कंफर्टेबल नहीं है अभी सुबानिल आप पूछिए कुछ मोनिका और रेखा मैडम से रिगार्डिंग मैथ्स एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स क्वेश्चन सर वो मैग्नेटिक नॉर्थ का वो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो बोल रहा था वो क्या होगा आंसर मिस्टर सोमवीर आप बताइए So this is magnetic north pole actually lie in a northern region. And this location is find out with a magnet, by magnetic compass. For this magnetic north pole is located in 71.78 north mein, or 108.2 hai east. Sir, in geography, north or east ke beech mein kahin iska point lie karta hai. Aur ye actually hum kya karte hain magnetic compass ke actually ko find out karte hain. तो हमेशा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक साउथ है उसकी एक लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं बताते हैं कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है बट ये डिफरेंट है फ्रॉम ज्योग्राफिकल एक्सिस ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो हम फिक्स मानते हैं ज्योग्राफिकल साउथ को फिक्स मानते हैं लेकिन जो मैग्नेटिक पोल है वो वेरी करते हैं टाइम टू टाइम बट एट प्रेजेंट इस लोकेशन जो है वो क्या है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और सिमिलरली जो साउथ पोल है वो साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर है इस लोकेशन मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इंटीरियर एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ इट इज नोन एज मैग्नेटिक एंगल ऑफ एंड द इंटीरियर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड नॉर्थ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस I suggest magnetic declination is the interior angle geographical continue Shubhanil you want to say something ha boliye sir nahi nahi aap continue kijiye apni baat angle is defined in a three different way ha first way is defined sir, by sir now considering geographic and second is defined in the form of equator
इसको हम दो तीन तरीके से हम बता सकते हैं, जैसे तो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में कह सकते हैं, या मैग्नेटिक इक्वेटर और जियोग्राफिकल इक्वेटर के बीच का एंगल, या ए कंपास इज इंक्लाइंड विद सम एंगल फ्रॉम द जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके मिस्टर शुभनिल, सेटिस्फाइड? ओके नाउ आई वांट टू ऑफ आवर मेंबर्स टू आल्सो गेट इंटरेक्ट। आबा आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इवन फिजिक्स, बट फर्स्ट प्रेफरेंस गिव्स टू मैथ्स एंड देन केमिस्ट्री। शुभनिल यू कैन आल्सो आस्क मैथ्स एंड केमिस्ट्री वन क्वेश्चन। यस आबा, यस यू कैन आस्क फ्रॉम मैथ्स। मैथ्स ओके, प्लीज डिफाइन नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को राइट करते हैं तो ओनली वी राइट कर्ली ब्रैकेट्स, एंड इफ वी अगेन वी राइट शो बाय फाइव। मैम कोई भी एलिमेंट ना हो जिसमें, कोई भी एलिमेंट ना हो जिसमें हम कुछ भी नथिंग वी कैन राइट, जैसे मैं किसी कमरे में जाए और कहे आप चेयर लेके आओ, चीज हो ही ना, दैट्स कॉल्ड नल सेट। ओके वन क्वेश्चन आई वांट फ्रॉम केमिस्ट्री एक्सपर्ट आल्सो आवर मोनिका, एनीबॉडी? समवेयर लॉट्स ऑफ वॉइस इज कमिंग, प्लीज अपने मैम व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? What is Avogadro's law? Avogadro law define the equal volumes, equal same number of molecule react in the same volume. Equal number of molecule lie in a container having same volume, same pressure and same temperature. Is it sure? Standard temperature and pressure contain same number of molecules. कोई example दीजिए मैडम, कुछ example ले सकते हैं। H2 plus Cl2 को mix किया, उससे HCl बनाया। Okay. तो जितने जितने मान लो हमने H2 plus Cl2 half HCl बन गया, उनके stoichiometry को देखेंगे तो 1:1 ratio में वो लाइक कर रहे हैं, तो उनके एक वो whole number ratio में react करेंगे, तो उनकी volume भी whole number ratio में ही होगी। वो कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेंगे। वन क्वेश्चन आई वांट फॉर हरबीर आल्सो। यस एनीबॉडी कैन आस्क फ्रॉम हरबीर? शुभनिल कॉमर्स शी इज, आबा यू वांट टू आस्क हरबीर? सर आप तो वैसे जो डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया? बता रहे हैं वो जोर से। And then in English it was translated by Edward Jones, and from there it got popularized in the whole world. From there we learn about double entry system. Okay. You want to add something? Pacioli ने अपनी book लिखी थी. यस सर, लुका पैसिओली ने अपनी बुक लिखी थी डबल एंट्री सिस्टम, वहीं से फेमस हुआ। ओके मैम रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जी मैम ऑन दी वेदर इट इज अ पर्सनल रियल और नॉमिनल? इट इज काइंड ऑफ रियल नॉमिनल अकाउंट। जी मैम नॉमिनल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यस मैम बिकॉज़ इट वी फाइंड प्रॉफिट। ओके ठीक है मैम। Shubhanil sir, get ready. Can you hear? हाँ बोलिए। Sir, what is the difference between photochemical and classical smoke? हाँ मैम बोलिए।
what is the difference between photochemical and classical smog? Photochemical and classical smog. Smog ke type classical slow smog smog s m o g sir smog dhund photochemical and classical smog s m o g yes yes s m o g yes sir yes sir classical smog is the mixture of fog and smoke. Classical it is the mixture of that at the time of classical smoke it creates the pollution, air pollution in urban region, especially in winter season due to enormous decrease of the smoke from different industries and presence of the fog. There creates the atmospheric hazard. This is known as classical smoke, but photochemical smoke, it is this concept is not clear to me. Is it oxidizing or reducing in nature? Classical smoke in geography, yeah, I think photochemical smoke is the natural smoke, but classical smoke is the atmospheric smoke or chemical smog, I think. Sir, classical smog is due to oxides of sulfur, which is reducing in nature, and photochemical smog is due to the oxides of nitrogen, which is oxidizing in nature. That is the difference between two. Shubhanil, you got the point. Okay, it is. I enjoy. Ha ha ha. Shubhanil, why you opted geography as your career? Sir? So geography is a versatile subject. This subject is not flourishes inside of the room. It is also flourishes from the outside of the room. And I am a versatile person, so it is so adjustable to me. And geography is a subject which flourishes by direct observation, direct observation, and it developed by the empirical point of view with field visit. But I also and I am a person, I also try to flourish my knowledge from the outside of the room by field visit. So okay, I will give you any topic. Geography is a subject by which we can explore the knowledge of our art, our country, as well as our city. So it helps to gain the knowledge about this. Okay, if I will give you any topic, geography as my career. Excuse me, are you listening? Sir, I want to. If I will give you any topic to give demo, then which topic will be your favorite? Mr. Shubhanil, not listening, I think. Sir, weathering. You will. Ha, weathering is my favorite weathering topic. Why because, you will choose weathering? Weathering is a weathering. Why you will choose weathering? Because it is, sir, at the time of news forecasting, different types of weather phenomena are forecasted by the reporters, such as temperature, humidity, rainfall. And weathering is a concept of geomorphology by which we can discuss the impact of the different weather of weather on the earth surface and the changes, the special element on the earth surface, especially rocks. And so it is my favorite topic because where I discuss the impact of the different agents of the weather. And okay, it is generally defined the disintegration and decomposition of rocks in situ. So it is a process. It is not identified by our open eyes. So it is my favorite topic because we can discuss it by mechanical and chemical processes and formulas. Okay. Mr. Vikas, why you opted computer as your career?
as everyone can see, this is today's the time of computer technology. Yes. And by using the computer, we can shape the creativity of a student. Where okay. we can develop the games, where we can develop the algorithms. Okay. Where can we solve the critical problem? Okay. Using the with the help of software, many types of software. Right, right. And while at the time of my graduation, at the time of my higher secondary education, I come to touch with the computer technology when I done the diploma in DCPA. Okay. At that time, I realized that the computer is very interesting subject where can we can make the different things, different types of things. And at that time, I started the learning of computer because with the hope of computer developers. Mr. Sovir, how physics is important to the society? Okay. And every nothing is possible without physics. Physics is related to every subject and our society also. Okay. Without physics, we can by physics we arrange the atom in a chemistry in a periodic tables. And in geography, we also study the sea bridge and land bridge. The sea bridge and land bridge is also due to the changing atmosphere. This atmosphere is measured by the temperature. तो टेम्परेचर है उसको हमने जो थर्मामीटर है उसको हमने मनाया किससे वो जिसने डेवलप किया है ओके जैसे कंप्यूटर के अंदर भी हम चलते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो चिप वगैरह होती है आईसी वगैरह वो डेवलप किसने किया फिजिक्स ने किया तो फिजिक्स कनेक्ट टू हर एवरी सब्जेक्ट वंडरफुल यस नेक्स्ट हरबीर हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ एज वी ऑल कैन सी दैट विदाउट मनी नथिंग इज पॉसिबल इन टुडेस वर्ल्ड व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ योर You cannot even go to any place without money. Okay. So for that, everyone needs money. So to take control over that money, to know what is going where. So and to earn that money, we do the business of someone. So it in that case, I think commerce is the only thing which can do it in a planned way. So here comes two branches, accounting and business. So both comes in spontaneous manner. Accounting maintains the money and its recording. And whereas business, we come to know and how to survive in the community by doing our best for the community also and to earn money because we earn money from the society itself. Monica madam, yes. you tell me how chemistry is benefit to us. Chemistry ka kaise hum best use le sakte hain? In everyday life. How? In day-to-day activity, okay. in every activity of our life, like food में जैसे हम खा रहे हैं कुछ भी तो उसमें कहाँ से आता है like we breathe okay. कि oxygen कैसे transfer हो रही है हमारे hemoglobin से attach होके तो वो भी chemistry explain करती है और like cosmetics we apply cream on our face तो अगर उसमें केमिकल थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया देन वो कौन एक्सप्लेन करेगा वो भी केमिस्ट्री से एक्सप्लेन होते हैं वेरी गुड दिस इज अ टेबल टेबल आल्सो एक्सप्लेन बाय केमिस्ट्री ये सॉलिड है लिक्विड है आवर एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर डेली लाइफ कैन बी एक्सप्लेन बाय केमिस्ट्री ओके भाई हमारी फेवरेट स्टूडेंट सोनी जिनको इनविटेशन देना पड़ता है फिर वो आते हैं वरना वो नहीं आते उन्हें स्पेशल इनवाइट करना पड़ता है कि सोनी मैडम आ जाइए वी आर मिसिंग यू फिर वो कहते हैं नो सर कुछ काम था मैडम वी आर मिसिंग यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस आप एंजॉय किया करो ठीक है ना आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस कभी मिस मत किया करो यहाँ से जाने के बाद भी मैं इनको एक ही बात कहूंगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस से जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना अभी शुभनिल है शुभनिल आपने कौन सी डेट को मुझे ज्वाइन किया था याद है आपको पीडी क्लासेस जनवरी का लास्ट वीक में करीबन 20 जनवरी बोल दूं 20 जनवरी को सरस्वती पूजा 28 भी आ रही है लोग कहते हैं सर 7 दिन पढ़ाते वैसा नहीं है आप अगर अटैच रहना चाहते हो ना तो आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं और मैं सच कह रहा हूँ जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस में शुभानिल ने एंजॉय किया है रियल में रियल डिसेंसी और एक्टिव पार्टिसिपेंट एक होता है आकर बैठ जाना चुपचाप एक्टिव पार्टिसिपेंट वो देखो पीछे बैठे हैं सोमवीर इतने क्वेश्चंस पुट अप किए उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए मुझे राइट तो सोनी मैडम इनवाइट नहीं करना पड़े आपकी हैबिट फॉर्मिंग होनी चाहिए यस क्योंकि आने वाला टाइम मुझे कुछ मुझे सर मुझे सर्टिफिकेट लेने जाना था तो मैं अभी आई हूं ओके मैडम ओके बट हम आपको मिस कर रहे थे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी मुझे मैं आज मॉर्निंग में इनको बता रहा था कि एक बहुत अच्छी बात थी जो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगा
वो बात ये थी शुभानिल और सभी सुनना, कल क्या हुआ, मैं ना कुछ मेरे सामने मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा था, शायद मूड तो यूं बस नॉर्मल ही था, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सच में कुछ देख रहा था या केवीएस देखना चाहता था, एनवीएस स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक केवीएस का इंटरव्यू आया। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर टीचर एक अच्छा टीचर होता है दुनिया में, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, मगर ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जो टीचिंग फैकल्टी ही वाज टेकिंग इंटरव्यू एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर वाज समथिंग लाइक दिस, नॉट माय स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, नॉट माय स्टूडेंट, नॉट सोमवीर, ही इज एन एक्टिव पर्सन और इसका जो फिजिक्स का नॉलेज है वो दुनिया में मुझे लगता नहीं किसी के पास है, मगर सुनिए ओवरऑल नॉलेज, मगर मेरी बात किसी स्टूडेंट पर नहीं है, मैं तो एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक टीचर एक इंटरव्यू ले रहे थे केवीएस का, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा वो टीचर कौन थे, मैं ये नहीं बात करूं, मगर सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, मैं आपको क्या कहना चाहूंगा। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू उन्होंने कई देर तो ऐसे रखा, फिर उन्होंने ऐसे बैठ गए वो, फिर उन्होंने वो किया जिस पर आपको बहुत हंसी आई है, तो मुझे लगता नहीं वो बोलना चाहिए, मगर तो इंटरव्यू को कैसे समझाएगा वो उन बातों के लिए, सोचिए। तो प्लीज ये हाथ जो आपने भी देखा है वो तो आप लोगों में नाम नहीं लूंगा, नाम लेना बहुत बड़ा गुनाह होता है, किसी टीचर का नाम नहीं लेना, हाँ नाम नहीं लेना, मगर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मैडम नोटिस किया था आपने भी, हाँ और देखो रेखा मैडम भी हम ही भर रहे हैं, मगर एक बात बताऊं दोस्तों, मैंने सच में नोटिस किया है आपकी जो मेंटरशिप है ना वो एग्जैक्ट 100% बेस्ट होनी चाहिए, आपकी मेंटरशिप सॉलिड है ना, आपको जिंदगी में बेस्ट से बेस्ट अपने आप बन जाता है इंसान, तो मेंटरशिप अपनी स्ट्रांग रखो, ये नहीं है कि अगर इंटरव्यूअर गलती करे वो इंटरव्यू को क्या समझाएगा, आप खुद देखिए, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर हमको बहुत अबंडेंट वर्क करना है। अच्छा बहुत से लोगों को लगता है ये जो हम नोटबुक भर रहे हैं, ये जो रजिस्टर्स भरवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर्स मेरे बच्चे कर रहे हैं या अपने सुनते हैं एक दूसरे से, एक्चुअली में ये आंसर्स तो थोड़े टाइम में बदलने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मस्तर में एक कंसेप्ट ही नया बदल जाएगा, तो आपके जो आंसर्स है ना वो मात्र 7% के हैं। कल मैं बात कर रहा था सोमवीर से, तो सोमवीर मुझसे पूछ रहे थे सर 7 नंबर के हमारे आंसर्स हैं तो बाकी नंबर के क्या है, 55 नंबर की बॉडी लैंग्वेज होती है आपके सिलेक्शन पर, अपने उस पर जाते ही नहीं है, अपने ध्यान ही नहीं देते उस पर, अपने वो लगता है बस जाकर ही तो बैठना है यार, बैठ जाएंगे जाकर क्या प्रॉब्लम है, क्यों सोनी मैडम, नहीं। फिर क्या होता है बॉडी लैंग्वेज के अलावा आपकी टोन, आ यकीन मानना मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर मेरे जो भी मेंबर बैठे हैं ना इनमें से 3 मेंबर्स की टोन में मुझे कमी लग रही थी, और ये मानते भी है कि हाँ सर सच में कमी थी 3 मेंबर में टोन में, अगर वो टोन में कमी लास्ट डे तक इनकी रहती है तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, नॉलेज इज अपार्ट, नॉलेज मैटर नहीं करता, नॉलेज डिलीवर करना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अनेबल टू डिलीवर नॉलेज इट इज वेन, द इंटरव्यूअर विल नॉट गिव यू टाइम, ही विल नॉट टेल यू प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज कंटिन्यू अगेन, मे आई बैग योर पार्डन, ही विल जस्ट लिसन एंड ही विल अज्यूम दैट इन क्लास ऑल्सो द स्टूडेंट विल बिहेव इन सच ए मैनर एंड वॉट माई स्टूडेंट्स विल गेन नथिंग, तो आपका जो बिहेवियर है वो वही जज कर लेगा 2 मिनट के अंदर कि आप किस तरीके के पर्सन, तो आपका नॉलेज अपार्ट है, पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपकी तहजीब, आपके संस्कार, आपके सैक्रामेंट्स बोला जाता है वो इफेक्टिव होने चाहिए, मीन्स आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी जोरदार हो कि रियल में इंटरव्यूअर इंप्रेस हो, फिर होती है आपकी टोन, टोन के बच्चों 38 नंबर मिलते हैं, 38 नंबर कम नहीं होते 100 में से, याद रखना मेरी बात, 55 नंबर होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, मात्र ये जो तुम जोर लगाते हो ना टीचर की क्वालिटी क्या है, टीचर क्यों बनना चाहते हो, मात्र 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं टोटल, इंटरव्यू में अगर 2 आंसर गलत भी दे दिए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक बार इंटरव्यूअर को ये लग गया ये इंसान बढ़िया है, बंदा बढ़िया है, वो जोर लगा देगा तुमको लेने, वो पूरी एनर्जी लगा देगा, वो कहेगा यार इसको लेना है कुछ भी हो जाए, ये बंदा आना चाहिए एनवीएस केवीएस में, ये लायक है, फिर आपको आता है नहीं आता है मैटर नहीं करता, मगर कुछ लोग नॉलेज होते हुए भी गड़बड़ कर जाते हैं, कारण बहुत सी चीजें में गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए टोन, मान लीजिए बॉडी लैंग्वेज, मान लीजिए कुछ सैक्रामेंट्स में कमी, तो वो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो ये जो अपनी फ्री क्लास चलती है ना कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें पार्टिसिपेट किया करो खुलकर, मैं बार बार नहीं कह सकता सबको,
मैंने शुभानिल को बोला क्या क्वेश्चन पूछने के लिए, वो सौमवीर पीछे बैठा था, ये इनकी वाइफ मैडम आगे बैठे, मगर इन्होंने कम और सौमवीर ने देखो कितने क्वेश्चन पुट अप किए। तो एक्टिव मेंबर ही चाहिए यहाँ पर, जो व्यक्ति एक्टिव है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस को सच में जीत लेगा। और यहाँ देखते देखते आप बाकी लोगों से बहुत बातें सीखते, आपको पता लगता है यार ये लोग अच्छा, ये लोग ये है, ये लोग ये है, नई नॉलेज मिलती है। अब सोनी मैडम कुछ काम के लिए गए थे, वैसे ये रेगुलर है। सोनी मैडम हम चाहेंगे आप हमारे मेंबर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें एक सुंदर सा, इतना ही समय बचा है हमारे पास, दीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनी पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। मिर्जापुर जाना जाता है बेसिकली माँ विंध्यवासिनी धाम के लिए। मिर्जापुर की कजरी बहुत फेमस है। वर्तमान समय में मैं बनारस में रहती हूँ। मैंने हिंदी विषय से एमए और बीएड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया है। मैं एक एडजस्टेबल और हेल्पफुल लेडी हूँ। मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है। मैं एक संघर्षशील और मेहनती लड़की हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ निभाती हूँ। बहुत अच्छा मैडम, रियली प्राउड ऑफ यू। और आपसे मिलकर और ये लोग आपसे एनर्जेटिक होते हैं मैडम, तो यू शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। ओके, और हमारे न्यू मेंबर को आप विश कीजिए मैडम और इनको